Hey everyone, assalamu alaikum, welcome back again my channel, shukriya Allah for everything friends। और आज है संडे और आप देख सकते हैं घड़ी में सुबह के 9:45 के करीब हम लोग उठ गए थे। मतलब आज संडे स्पेशल, इसलिए सभी लोग लेट उठते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक। तो हम लोग भी आज 9:45 उठे थे, तो मैंने सोचा आज का पूरा रूटीन जो है ना आप लोगों से शेयर किया जाए। तो मैंने सुबह से ही व्लॉग बनाने की शुरुआत की थी। तो मैं जैसे ही कमरे से बाहर आई ना, तो ये देखिए पापा ने जो है ना मिसल पाव की पूरी प्रोग्राम सेट किए थे। बच्चों ने रात को ही डिमांड की थी बाबा से कि आज नाश्ते में मिसल पाव बनना है, तो मैंने कहा ठीक है भाई चलिए बनाते हैं, वो भी रेसिपी आपसे शेयर हो जाएंगी। तो ये देखिए दोनों भी आए थे और इनाया दोनों भी शॉवर लेकर आ गए थे, और मैंने दोनों को सबसे पहले रेडी कर लिया, उसके बाद मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई थी। तो अक्सर जो है ना छुट्टी के दिन बच्चों को बिल्कुल भी मतलब जल्दी उठना नहीं होता है, और लेट उठने के बाद शॉवर जब लेते हैं तो फ़ौरन से इन्हें नाश्ता चाहिए, मतलब हाजिर हो नाश्ता, ऐसे जो चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाती है। तो मैंने सोचा आज सबसे पहले जो है ना नाश्ता बनाने के लिए चली जाऊँ, ताकि झटपट जो है ना बच्चे नाश्ता गर्मा गर्म कर ले। बारिश का मौसम भी चल रहा है और इनाया का आज प्रोजेक्ट भी बनाना है, तो मैंने सोचा वो भी पूरी डिटेल जो है ना आपसे शेयर करूँगी कि इसको क्या प्रोजेक्ट दिए थे और वो हम लोग ने कैसे बनाए। और बारिश भी हो रही थी, वैसे बारिश के चलते ही इनाया ने ज़िद की कि मुझे आज ही बनाना है, क्योंकि कल जो है मंडे है और मंडे के दिन सबमिट करने का लास्ट डे है। तो मैंने कहा अभी तो बताया फ्राइडे के दिन और संडे मंडे दो दिन में आपको सबमिट भी करना है, तो मैंने सोचा ठीक है चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए मटकी सबसे पहले हम लोग ने रोस्ट करनी है तवे के ऊपर, और प्याज करी पत्ता को अच्छे से फ्राई करना है ऑयल में, और ये रोस्टेड मटकी को अच्छे से धो कर लेना है। और जैसे ही प्याज हल्की ब्राउन होती है ना, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही टमाटर ऐड करेंगे चॉप करके, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे इसके अंदर, और साथ ही इसमें जाएंगी हल्दी 1/2 टीस्पून। उसके बाद ये कांदा लहसुन चटनी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। देन इसे कलर इन्हांस करने के लिए रेड कश्मीरी चिली पाउडर ऐड करेंगे, और इन सभी को अच्छे से भून लेंगे। देन उसके बाद ये धोई हुई मटकी ऐड करके अच्छे से भून लेंगे हाई फ्लेम पे लगभग 2 से 2.5 मिनट। उसके बाद आपको जितना भी पानी चाहिए उतना पानी ऐड कर दीजिए। देन उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे रोस्टेड मूँगफली की पाउडर और बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करके बस कुकर की लीड ऑफ बंद कर देंगे, और यहाँ पर 1 से 2 सीटी लगाएंगे। जब तक ये सीटी लगती है हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने फरसान निकाल लिया है एक बाउल में, और प्याज धनिया और नींबू को भी कट कर लिया है, और अब लगाएंगे हम प्लेटिंग कि बच्चों को जो है ना बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और मिसल पाव तो उनका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एक्चुअली बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को नाश्ते में जब भी मिसल पाव बनता है ना तो ज़ोरों की भूख लगती ही है, क्योंकि इतना यम जो लगता है, और बाहर से ज़्यादा घर का पसंद आता है सभी लोगों को। और इसलिए मैंने जो है ना भरपूर बनाया था, ताकि बच्चे नॉनवेज होता है संडे के दिन, फ्राइडे के दिन और थर्सडे तो नॉनवेज नहीं खाते, बस ये मिसल पाव अगर मिल जाए ना तो तीनों टाइम का उनका यही खाना होता है, मतलब नाश्ता दोपहर और रात में डिनर भी यही होता है। तो मैंने भरपूर बनाया था ताकि बच्चे जो है ना दिल भर कर दिन भर खा सके। तो मैंने यहाँ पर सबकी प्लेटिंग लगा दी, उसके बाद लादी पाव भी मैंने गरम कर दिए थे, और गर्मा गर्म जो है ना ये रस्सा भी बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले मैंने प्लेट पापा को लगाई, क्योंकि वो इतनी बारिश में जाकर सुबह सुबह सब कुछ लेकर आए थे सामान, जैसे मटकी फरसान पाव, क्योंकि ये सब कुछ जो है ना फ्रेश ही अच्छा लगता है। मटकी भी फ्रेश होनी चाहिए, साथ ही धनिया फ्रेश होना चाहिए, नींबू और पाव भी। तो ये सभी चीज़ें अगर फ्रेश आप लाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी भी लगता है। तो इसलिए बस सभी की मैंने प्लेटिंग लगा दी और सब ने बैठ कर नाश्ता किया। उसके बाद जो है ना मेरी दोपहर की तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि जो है ना मुझे ये फटाफट काम ख़त्म करने थे और इनाय की प्रोजेक्ट भी बनानी थी, इसलिए मैंने आज बहुत है ना मतलब जल्दी जल्दी व्लॉगिंग के साथ साथ कुकिंग भी कर ली। और मैंने न जाने क्यों ये प्लान बना लिया कि आपसे व्लॉग बनाकर शूट कर दूँ और शेयर करूँ आपके साथ, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी ना संडे के दिन, मतलब मुझे 5 मिनट भी फुर्सत नहीं मिली थी कुछ भी करने के लिए। और साथ ही मेरे फ्रेंड्स के कॉल भी आ रहे थे, वो भी मुझे अटेंड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि खैर अभी बना ही ली तो एडिटिंग भी करके आपसे शेयर कर लूँ। तो जितनी भी मैंने मुझसे बंद पड़ी ना उतनी मैंने वीडियो बनाई, आई होप आपको पसंद आएंगी। तो ये देखिए मटन आ गया था, और इसे प्याज भी मैंने चॉप करके रखी हुई थी, और साथ ही मैंने एक कुकर चढ़ा दिया गैस के ऊपर। जैसे ही ऑयल 2 टेबल स्पून गर्म होता है ना, तो साथ ही हम ऐड करेंगे इसके अंदर चर्बी जो हमने अच्छे से कट करके वॉश की है, और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे ऑयल में। और जैसे ये हल्की फ्राई हो जाती है ना, इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, प्याज के साथ थोड़ा सा धनिया भी आप ऐड कर दीजिए, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
और इसे अच्छे से भुनने के लिए रख देंगे और दूसरी तरफ हम मटन कट करके वॉश करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए प्याज जैसे ही रोस्ट हो जाती है ना, इसके अंदर हम थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे और साथ ही स्वादानुसार नमक ऐड करके हल्दी भी ऐड करेंगे इसी स्टेज पे। और इन सभी को जो है ना लगभग 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। और जब ये अच्छे से भुन जाता है ना, तब हमने वॉश किया हुआ मटन इसके अंदर ऐड करना है और इसे भी अच्छे से हाई फ्लेम पे भून लेना है। मतलब तकरीबन इसे 1.5 से 2 मिनट आप कंटिन्यूस चलाते हुए भुनेंगे ना, तो आपका मटन के अंदर ये पूरे मसाले का और नमक का फ्लेवर जब जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा यम लगता है। और इसका जूस भी आप जो है ना बच्चों को इस बारिश के मौसम में पिलाएंगे ना, तो बच्चे आपके बीमार नहीं पड़ेंगे। गर्मी भी होती है, हीट भी मिलती है और एनर्जी भी मिलती है, प्रोटीन भी मिलता है, सब कुछ इसमें होता है। तो बस इसके ऊपर पानी गरम करने के लिए रख देंगे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम से, और उसके अंदर वही गरम किया हुआ पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे, लीड ऑफ करेंगे और अच्छे से इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये मेरा कुक होता है, हम देख लेते हैं इनाय ये प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्ट किया है। Hi everyone, my name is Inaya Amirshik. My class name is First Standard Bhagat Singh. As we hip zhaad anle ani mi he zhaad माझ्या आंब्याच्या झाडाच्या खाली लावणार आहे, तर चला लावूया। तर चला आपण इकडं लावूया। तो देखा ना आपने, इस तरीके से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। आपको भी हंसी आई होंगी ना इसकी मराठी सुनकर, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि एक्चुअली मैं भी मराठी में बहुत ज़्यादा कच्ची हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा परफेक्ट आती नहीं है। और माशाल्लाह इनाया अभी से इतनी कम एज से ही मराठी इतनी अच्छे से बोल लेती है ना, तो सुनकर बड़ा ही सुकून लगता है। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इसका प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ है और इनके स्कूल में माशाल्लाह से हर एक एक्टिविटी जो है ना इतनी डीपली सिखाई जाती है, मतलब बच्चों को हर एक नॉलेज मिलता है, हर एक चीज़ की मालूमात होती है बचपन से ही। अगर इनको ये नेचर की इन्फॉर्मेशन बचपन से ही हमने सिखा दी ना, तो ये बड़े होकर जो है ना इसे अच्छे से संभाल लेंगे। मतलब हर एक चीज़ की इनको कदर मालूम होंगी, पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसे काटना नहीं चाहिए, और सेफ वाटर के बारे में भी बहुत ज़्यादा इनको सिखाया जाए, सेव एनिमल के बारे में भी बताई जाती है बातें अच्छी अच्छी। बच्चों को खाएंगे और नॉलेज ना, तो बहुत ही अच्छी होती है ये। तो उसके बाद ये दूसरा था वो हम कंप्लीट हुआ, प्लांट लगा। और उसके बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट था कि 10 सीड्स जो है ना मिट्टी के बॉल्स बनाने हैं, मतलब सीड बॉल बनाने हैं, इनको 10 सीड बॉल बनाकर लाने थे। तो सीड कहाँ से पापा ने ढूंढ कर लाए, मतलब सुबह में जो गए थे ना बारिश में, इतनी ज़ोर की बारिश हो रही थी, वैसे बारिश में जाकर जो है ना पापा ने सीताफल चीकू ढूंढ कर लाए, मिल भी नहीं रहे थे, तो जैसे तैसे लेकर आए। तो मैंने यहाँ 2 चीकू के बीज लिए थे, उसके बाद 3 खजूर के लिए थे और 5 सीताफल के। तो इस तरीके से जो है ना बॉल बनाना था मिट्टी से। तो मिट्टी भी जो है ना मैंने किचन के पीछे से गार्डन से लेकर आई थी, ड्राई मिट्टी मिली नहीं रही थी, पूरी बारिश की वजह से कीचड़ कीचड़ ही था हर तरफ। लेकिन शुक्र है कि किचन के पीछे वाले गार्डन में जो है ना थोड़ी सी ऊपर छत है ना, तो वहाँ पर नीचे ड्राई मिट्टी मिल गई अच्छे से, तो वो काम हमारा बन गया आसानी से। तो ये देखिए, ये बॉल जो है ना मैंने एक बनाकर बताई नाया को, तो उस तरीके से जो है ना उसने पूरे बॉल्स खुद ही बना लिए। और ये जो है ना पूरा बच्चों के साथ ही आपको करके लेना है, मतलब आपने नहीं करना है कुछ भी, स्टार्ट में आप बता सकते हैं लेकिन जो भी टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी छोटा मोटा आ जाए बच्चों को ही करने लगाना है। मतलब इससे उनको पूरी मालूमात भी हो जाती है, उनको इंटरेस्ट भी आता है और पूरा जनरल नॉलेज भी उनको मिलता है कि मिट्टी किस तरीके से शेप लेती है, पानी कितना उनमें मिलाना चाहिए तब जाकर ये थिकनेस आ जाती है, ये सभी बातें जो है ना उनको समझ आती है। तो ये देखिए, एक सीड अब इसने डाल दिया और अच्छे से इसको सील करके जो है ना इसको शेप ऑटोमेटिक उसने ही दे दिया, बस मैंने एक ही बताया था उसको। तो माशाल्लाह से इसने पूरे के पूरे बॉल्स बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट कर दिए थे। तो यहाँ पर टोटल 10 बॉल बोले थे, इसने 11 बॉल्स बनाकर रेडी कर लिए। Six, seven, eight, nine, ten. So this is my seed ball.
तो ये पूरी प्रोसेस होने तक दोपहर के 3 बज गए थे। उसके बाद मैंने लंच दिया सभी को और लंच होने तक 4:30 बज चुके थे और पूरा दिन ऐसे ही गया। तो पूरा फुल डे बिजी रूटीन रहा मेरा। तो मैंने आप लोगों के लिए ये व्लॉग बनाया था। अगर आपको पसंद आया, थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, बाय।